हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी का सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं हाजीपुर, इस मार्केट का काम है हमें। और ये हमारे छोटू भैया और ये जिनको तो आप जानते होंगे केपी कैप्चर। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम लोग जा रहे थे हाजीपुर, बट यहाँ पे ढाला बंद है, देख रहे हैं रेलवे ट्रैक पर फंसे हुए। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन जाएगी उसका यहाँ। अभी हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में हैं नाइपा गेट के पास, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, फ्रांसिस जेवियर एकेडमी। देखिए स्कूल दिखाइए और उधर दिखाइए। ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है, सब इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज। यहाँ पे काफी जाम लगा हुआ है। यहाँ तो हम लोग आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, यहाँ से हम लोग पेट्रोल देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पेट्रोल ले लिया, मिलते हैं भैया से। ये भैया से हम पेट्रोल लिया है। तो गाइस यहाँ से हम लोग इन्हें छोड़ के चलेंगे साइड वाले रास्ते से, ताकि आगे हम लोग को पुलिस ना पकड़े। पुलिस से बचने के लिए हम लोग साइड वाले रास्ते से जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग इन्हें छोड़ के आए। ये मुजफ्फरपुर जाता है और ये साइड सारी गाड़ियाँ पटना जा रही है। इधर दिखाओ, पटना है, पटना चौक वाला सब्जी मंडी है। आगे है राजपीत कॉलोनी, इस टर्न के बाद पूरा कोचिंग मंडी हाजीपुर का स्टार्ट हो जाता है। ठीक बोलिए। और हम लोग कोचिंग मंडी में इंटर कर चुके हैं। आज अभी हम लोग आ चुके हैं हाजीपुर कोचिंग मंडी रामबाला चौक पे, और हम लोग आए यहाँ पर छोटू भैया के लिए कपड़ा लेने। चलते हैं छोटू भैया के साथ दुकान, लेंगे कोई अच्छा सा जीन्स और शर्ट, उन्हीं के लिए लेना। छोटू भैया बोल रहे हैं कि आपको टी शर्ट चाहिए, तो भैया टी शर्ट दिखा रहे हैं। आज हम लोग अभी यहाँ आए हैं, फैशन बॉक्स के बाहर खड़े हैं, यहीं से हम लोगों ने कपड़ा लिया। भैया जी यहाँ से बोले कि थोड़ा हमारे शॉप को प्रमोट कर लेते, तो उनके दुकान को हम प्रमोट करने जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको उनके दुकान में क्या क्या है, क्या नहीं है, कितना रेट है, सब कुछ पता।
बताइए आप कब दुकान खोले थे और कुछ बताइए दुकान के बारे में, कुछ नया अराइवल आया होगा। दुकान तो हम लोग का बहुत पुराना ही है, अच्छा वैरायटी मिलता है, ओनली फेस्टिव अवसर पर नया नया कलेक्शन आया है, नया नया सामान आया है, जो भी है नया आइटम मिलता है, हम लोग यहाँ लेटेस्ट कलेक्शन मिलेगा। और ये जो जीन्स जो आप लोग यहाँ पे निकाले वो लोग का मतलब ये जीन्स का प्राइस कितना होगा रेंज? जीन्स का प्राइस 600 से स्टार्ट होता है कोई भी जीन्स हम लोग की। देखिए यहाँ पे भैया के पास बहुत सारे कलेक्शन हैं, अच्छे क्वालिटी मिलेंगे, सब तरह कलेक्शन का कमी नहीं है, कलेक्शन काफ़ी सारे हैं, जीन्स का टी शर्ट हो, शर्ट हो, सब कुछ। ये लाइक्रा शर्ट दिखा रहे हैं भैया, 350 का है, कितने का? 350 का है, यस 300 का डिजाइनर लाइक्रा शर्ट है। और ये सब फंक्शन में डिजाइन मिले हैं, और ये सब देख लीजिए डेनिम शर्ट है, और सब कुछ तरह का वैरायटी आता है यहाँ भैया के पास, सब कुछ अवेलेबल है, टी शर्ट शर्ट सब कुछ। बताइए आपके दुकान का लोकेशन कहाँ पड़ता है? दुकान और बाकी का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो आइए और यहाँ से शॉपिंग कीजिए, ढेर सारे काफ़ी अच्छे कलेक्शन है भैया के पास, आइए और एक बार जरूर भी। बाय। आज अभी हम लोग कपड़ा ले चुके हैं, जींस ले चुके हैं, टी शर्ट ले चुके हैं, हम लोग चलेंगे मिली ऑप्टिकल्स या कुछ ऑप्टिकल्स चश्मे की दुकान में, चलना वहाँ जाके हम लोग। आज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं न्यू मार्केट। अभी यहाँ से हम लोगों को पापा का चश्मा लेना है और ये यादव चौक पे पड़ता है, चश्मा लेके उसके बाद चलेंगे घर, मिलन ऑप्टिक में जाना है हम लोग को। अभी क्या ही बताया, मतलब क्या गजब ही सीन हो गया यहाँ, मैं एटीएम से पैसा निकाला ही नहीं और चला गया वहाँ सामान लेने के लिए, चश्मा लेने के लिए। अब जा रहे हैं दोबारा से एटीएम से आके फिर दोबारा जाएंगे। यहाँ पे हम लोग का बहुत ही बड़ा फोकस हो चुका है, दूसरे दुकान में जाना था और हम लोग गलत दुकान में चले गए। पहले तो हम लोग एटीएम से पैसा नहीं निकाले, बिना पैसा के चले गए, उसके बाद जब पैसा लिए तो दोबारा जब गए हम लोग दुकान में तो गलत दुकान में ही चले गए। पता चला कि हम लोग जाना था किसी और दुकान में, चले गए किसी और दुकान में, जाना था मिली ऑप्टिक में, हम लोग पहुँच गए मिलन ऑप्टिक में। तो चलिए चलते हैं मिली ऑप्टिक यानी सही दुकान में, चलते चलिए आगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं चाय सुट्टा बार, चल के वहाँ पे चाय सुट्टा बाहर में जाएंगे, लेकिन चाय सुट्टा नहीं मारेंगे, चाय या फिर कॉफ़ी, चलते हैं चाय वैसे ना करते चॉकलेट कॉफ़ी का, चॉकलेट कॉफ़ी आया फिर यार। हम लोग यहाँ पे चाय सुट्टा बार में गए हुए थे, वहाँ पे हम लोग कॉफ़ी पिए, चॉकलेट कॉफ़ी काफ़ी अच्छा टेस्ट था, बहुत ही अच्छा टेस्ट। कैसा लगा आपको? बहुत झगास, मतलब बोले तो ओपी। तो लिट्टी खाने हैं सागर भैया के यहाँ, और यहाँ सागर भैया हम लोग के लिए लिट्टी प्याज काट रहे हैं अभी। इनके यहाँ का लिट्टी काफ़ी टेस्टी होता है, एक बार जरूर आइए कोचिंग मंडी रामबालक चौक, काफ़ी अच्छा लिट्टी खिलाते हैं। हाँ सब रख दीजिए मेरे चुप। और हमारा लिट्टी रेडी है, बाइक ले चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। कैसे ढूंढ रहा था काट रहे हो? हम लोग बसमान चौक पहुंच चुके हैं, मैटर की रूप देख सकते हैं, बसमान चौक पहुंच चुके हैं। अब ब्रिज भैया तो भाई ओपी ही ड्राइव करते हैं, पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते पीछे हनुमान जी का सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हम इस रोड पे 20 से ऊपर नहीं जा सकते हैं, मगर हमारे डीलर भैया फ्रेंड से आप जब देख सकते कि रोड पे 60 जब आ रहे हैं।
तो कैसा लगा ब्लॉग नीचे कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए हमारे अगले ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।